हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने पास जो टॉपिक चल रहा था वो था इलेक्ट्रॉन स्नेही। कौन सा टॉपिक चल रहा था अपने पास? इलेक्ट्रॉन स्नेही। और अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या देख रहे थे? गुणधर्म, इलेक्ट्रोफाइल के गुणधर्म अपन अब क्या कर रहे थे? चेक कर रहे थे। अब जब इलेक्ट्रोफाइल का जब मैंने फर्स्ट आपको बताया गुणधर्म, तो अपन ने कहा था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, कि इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, राइट। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज मतलब जिस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो अपन सबसे पहला अपन ने जो इसके गुणधर्म में लिखा था वो क्या लिखा था, कि ऑल पॉजिटिव चार्ज, जितनी भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है वो सभी की सभी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगी। जितनी भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आपके पास प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगी। लेकिन कल मैंने आपको पता है तो मैंने एक बताया था कि NH4+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। लेकिन अभी जस्ट अपन ने बोला कि सभी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है, लेकिन NH4+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। उसका रीजन भी अपन ने डाला था अभी जस्ट कि NH4+ में NH3 से क्या बनता है, NH3 अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और NH4+ का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से अपन ये कहते हैं कि NH4+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेवियर नहीं करता है, जबकि इस पर क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट अपन ने सेकंड अपन ने इसमें बोला था कि वैकेंट डी ऑर्बिटल, या वैकेंट डी ऑर्बिटल मतलब जिनके पास डी कक्षकों, डी कक्षक क्या होते हैं, खाली होते हैं, वैकेंट होते हैं, जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं वो भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल ही कहलाते हैं। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं वे भी क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। और इसका मैंने एग्जांपल आपको दिया था, वो था आपके पास SnCl4। देखो अष्टक कंप्लीट है, यदि अपन सेकंड के करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अपन ने कहा था कि जिनका अष्टक अपूर्ण होता है वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो इनका अष्टक क्या है, अपने पास कंप्लीट है, लेकिन फिर भी क्या करा रहे हैं, अपने पास इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसी उदासीन स्पीसीज जिनका अष्टक क्या है, कंप्लीट है, ऐसी उदासीन स्पीसीज जिनका अष्टक क्या है, कंप्लीट है, लेकिन इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से किसकी तरह व्यवहार करती है, अपने पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करती है, राइट भाई। नेक्स्ट अपन ने कहा था कि आपके पास इलेक्ट्रोफाइल के अपन जो नेक्स्ट अपने पास करेक्टरिस्टिक्स है, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो गया, ऑक्टेट इनकम, अष्टक अपूर्ण होगा आपके पास, अष्टक अपूर्ण स्पीसीज भी आपके पास क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। जैसे मैंने कहा था आपके पास अष्टक अपूर्ण स्पीसीज क्या थी, जैसे ZnCl2 हो गया आपके पास, राइट, आपके पास AlCl3 हो गया, आपके पास BF3 हो गया, ये सभी क्या अपने पास एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेवियर करती है, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या देखा अपन ने, तीन अपन ने देख लिया। उसके बाद में जो फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स है, जो फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स है आप नोट डाउन करते रहना इनको, फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स है वो आपके पास क्या है, जो फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स है आपके पास वो है आपके पास कि हिटरो एटम के बीच में यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हिटरो एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हिटरो एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ये कह सकता हूं मैं कि यदि हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कि एक एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, कम है, और एक एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है और एक एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। यदि एक एटम हिटरो एटम के बीच में क्या प्रेजेंट है अपने पास, डबल बॉन्ड। यदि हिटरो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, लाइक जैसे C डबल बॉन्डेड O CO2 S डबल बॉन्डेड O SO2, ठीक है भाई, जैसे CO2 SO2, यहां पे क्या अपने पास, देखिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोला मैंने, तो देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा होती है, इस पर नेगेटिव, इस पर क्या होता है, पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव तो इस पर भी क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी वजह से आपके पास जो सेंट्रल मेटल एटम है वो आपके पास क्या, किसकी तरह बिहेवियर करता है, अपने पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेवियर करता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कौन ले जाता है, ऑक्सीजन अपनी ओर एक्सेप्ट कर खींच लेता है, इसकी वजह से पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई। तो डायरेक्ट ऐसे याद रखना है कि हिटरो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, हिटरो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो किसकी तरह बिहेवियर करेगा अपने पास, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेवियर करता है, क्लियर भाई। उसके बाद में अपन यदि नेक्स्ट बात करें कि आपके पास जैसे एक एग्जांपल हो ले हिटरो एटम का, तो अपन ये कह सकते हैं जैसे कार्बोनिल कंपाउंड CR RC डबल बॉन्डेड OR, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, आपके पास ये भी क्या है, यहाँ पे देखो हिटरो एटम है, हिटरो एटम के बीच में यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, E+, राइट। हिटरो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसे क्या बोलेंगे,
इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है भाई, ये आपके पास करेक्टरिस्टिक्स हो गई, आपके पास किसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई है, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल की करेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो मैंने क्या क्या बताया आपके पास, सबसे पहले ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होनी चाहिए, दूसरा अपन ने बताया कि आपके पास अष्टक अपूर्ण होना चाहिए, तीसरा मैंने आपको बताया कि आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए, चौथा मैंने आपको बताया कि आपके पास हेटरो एटम के बीच में क्या होता है, डबल बोन प्रेजेंट होता है। तो ये सभी स्पीसीज क्या कहलाती है अपने पास है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। इन करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अपन किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। यदि अपन इसकी राजस्थान यूनिवर्सिटी में बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको मिलता है वो यही मिलता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इनके क्या क्या गुणधर्म है ये समझाइए, या आपको पास निम्नलिखित में से इलेक्ट्रोफाइल व न्यूक्लियोफाइल को छांटिए। तो आपको इन चीजों को अपने पास वहां पे देखना होता है, और ये आपके पास जिसको गुणधर्म अपने को पता है भाई, जिसको गुणधर्म पता है ना वो आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, उसमें कोई नो डाउट, आराम से आप ये चार टॉपिक याद रखो, जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है ओनली किसको छोड़कर, एन एस फोर प्लस को छोड़कर। दूसरा मैंने क्या बताया, जिनका अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है, मतलब आठ इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं होते हैं। तीसरा मैंने क्या बताया कि आपके पास आठ इलेक्ट्रॉन नहीं होने के बाद, तीसरा बताया वैकेंट डी ऑर्बिटल, कि यदि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो आप वो भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, चाहे उसका अष्टक पूर्ण हो। उसके बाद में मैंने क्या बताया, हेटरो एटम के बीच में डबल बोन प्रेजेंट होता है, वो भी क्या कहता था अपने पास है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। और जो उभयदंतु लिगेंडो की तरह बिहेवियर करते हैं ये सब अपन किस में देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल में। ठीक है भाई, कंप्लीट। नेक्स्ट अपन यदि चले अपने पास, तो अपन नेक्स्ट डेफिनेशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास जो सेकंड है अभिकर्मक है, सेकंड अभिकर्मक है उसका नाम है नाभिक स्नेही अभिकर्मक न्यूक्लियोफाइल। क्या अभिकर्मक अपने पास है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, हाँ भाई, यदि मैं नाभिक स्नेही की बात करूं तो नाभिक स्नेही, नाभिक का मतलब न्यूक्लियस, राइट, नाभिक स्नेही, नाभिक, नाभिक का मतलब आपके पास न्यूक्लियस, ठीक है, नाभिक, और स्नेही का मतलब क्या होगा अपने पास, नाभिक स्नेही। ठीक है भाई, देखो अभी यहां से अपन डेफिनेशन बनाएंगे, जो इसे नाभिक का मतलब क्या होता है अपने पास, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या होती है अपने पास, एक रिच स्पीसीज होती है, मतलब जिन भी इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है। तो नाभिक का मतलब क्या होता है अपने पास, मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। स्नेह का मतलब आपके पास कि ऐसी नाभिक से स्नेह करे जहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, कमी हो भाई, नाभिक मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से स्नेह करेगी, कौन करेगी, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। कि यदि ऐसी स्पीसीज जो नाभिक से स्नेह करती हो वो क्या कहलाती है, नाभिक स्नेही कहलाती है। तो आपके पास जो नाभिक होती है वो आपके पास क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, और ऐसी न्यूक्लियस से आपके पास लविंग करती है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। तो अपने कह सकते हैं कि वे स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वह ऐसी नाभिक से स्नेह करती है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, नाभिक स्नेही कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे नाभिक स्नेह की, कि ऐसी स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वह ऐसी स्पीसीज से लव करती है, ऐसी स्पीसीज से स्नेह करती है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है।
जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, नाभिक स्नेही कहते हैं। कि ऐसी स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, वह ऐसी स्पीसीज से स्नेह करती है जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, उसे क्या कहते हैं अपन, नाभिक स्नेही कहते हैं। जिसे एनयू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, न्यूक्लियोफाइल जिसे एनयू माइनस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है भाई। तो जिसे किसी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एनयू माइनस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसके निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं, इसके निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं। हाँ भाई, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि न्यूक्लियोफाइल की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, ठीक है भाई। नाभिक स्नेही के गुणधर्म, नाभिक स्नेही के गुणधर्म, स्नेही के गुणधर्म, हाँ भाई, नाभिक स्नेही के क्या क्या गुणधर्म है। तो सबसे पहला गुणधर्म आपके पास क्या होगा, कि अपन ने डेफिनेशन क्या बोली है, इट इज ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एंड लविंग फॉर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। यदि इंग्लिश में अपन बात करें इसे, तो इट इज ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एंड लविंग फॉर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, कि ऐसी स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन धनी होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, और ऐसी न्यूक्लियस से लव करती है जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, उसे क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही कहते हैं। तो सबसे पहले यदि अपन यहां पे बात करें, तो अपन कह सकते हैं कि ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आर नोन एज ए न्यूक्लियोफाइल, कि जितनी भी सभी ऋणात्मक स्पीसीज नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करती है, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करती है, सभी ऋणात्मक स्पीसीज नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करती है, कि जितनी भी आपके पास नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है वो सब क्या कहलाएगी अपने पास, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगी, राइट भाई। जैसे एग्जांपल अपन देखें आपके सामने, तो पहला एग्जांपल मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूं, तो आप बोलोगे Br- बाय नेगेटिव बिना